दोस्तों अनिल हंस रहे हो। आप में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि जब से बीटीएस ने डेब्यू किया है तब से बहुत ही लंबे समय से लेकर अभी तक बीटीएस के मेंबर्स एक दूसरे के साथ ही रहते थे और दोस्तों एक दूसरे के साथ रहने की वजह से ही उनका बॉन्ड काफी ज्यादा यूनिक था और वो एक दूसरे के बारे में काफी सारी चीजें जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली अपनी 9th फेस्टा की वीडियो में बीटीएस ने रिवील करा है कि उनका जो पुराना घर है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से सभी बीटीएस मेंबर्स ने अपने अलग अलग घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया है। दोस्तों बीटीएस ने बताया कि वो अपनी फेस्टा की वीडियो अपने लास्ट घर में शूट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी साथ में बिताई हुई बहुत ही सारी मेमोरीज हैं, जिसकी वजह से वो उस घर को एक साथ ही बाय बोलना चाहते हैं। दोस्तों बीटीएस के मेंबर्स ने बताया कि पिछले 10 से 12 साल से वो एक साथ रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब वो इतने बड़े हो गए हैं तो साथ में रहना इतना आसान नहीं है। उनकी पसंद उनकी नापसंद काफी ज्यादा बदल चुकी है और अब बीटीएस के मेंबर्स में जितनी ज्यादा एक चीज पर हामी नहीं भरी जाती उससे ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब अलग अलग रहना ज्यादा सही है। और पिछले कुछ टाइम से जब से बीटीएस के सभी मेंबर्स ने एक दूसरे से अलग रहना शुरू किया है तब से उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की जो कीमत है वो पता चल गई है। दोस्तों ये सब बातें करते करते वो एक दूसरे का घर भी डिस्क्राइब कर रहे थे, तभी जिन ने मजाक बनाते बनाते बताया कि जंगकुक का जो घर है वो काफी ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा कूल है। उन्होंने बताया कि जब वो जंगकुक के घर में गए तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उनके घर में पूरी जगह पे मैट्रेसेस पड़ी हुई हैं। और जब जिन ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है तो जंगकुक ने बोला कि जब भी उनका मन करता है वो कहीं भी लेट जाते हैं, इसीलिए उन्होंने हर जगह मैट्रेस बिछाई हुई है। साथ ही साथ जंगकुक के घर में बहुत ही सारी कलरफुल लाइट्स हैं और हर जगह उन्होंने सेंटेड फ्यूम्स लगा रखे हैं। अगर आप जंगकुक के किसी भी कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं होगा और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू भी होगी। और दोस्तों इसी के बाद सभी मेंबर्स ने अपने अपने घर के बारे में बताना शुरू कर दिया, जहाँ शुगा ने बताया कि उनका घर एकदम किसी मॉडल की तरह है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। वही जिन ने बताया कि अगर कोई उनके घर में जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आप किसी बच्चे के घर में गए हैं, एकदम न्यूली वेड कपल की तरह। वहीं दोस्तों बीटीएस के मेंबर्स ने बताया कि आरएम का घर एकदम म्यूजियम जैसा है और बहुत ही क्लीन है, जबकि पहले वो सबसे ज्यादा गंदगी मचाते थे। लेकिन अब बीटीएस के मेंबर्स कुछ शौक हो जाते हैं ये देखकर कि आरएम का घर कितना ज्यादा साफ है, एकदम म्यूजियम की तरह, और हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई होती है। हालांकि दोस्तों बीटीएस के मेंबर्स की बात सुनकर जिमिन को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और उन्होंने बोला कि हमें अपनी ज्यादा चीजें इस तरह से आर्मीज के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए वरना आर्मीज को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फनी लगेंगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है और आपको किस मेंबर का घर सबसे ज्यादा यूनिक लगा। और साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।